हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि लिब्रा कैल्क की है, हम रैंड बिटवीन फंक्शन को समझेंगे। तो एक्सेल पर तो आप रैंड बिटवीन यूज करते ही हैं बहुत सारे रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए, यहां पर कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसमें कुछ स्टूडेंट के नाम है और यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम है, तो थ्री सब्जेक्ट हमने लिया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर कर देता हूँ, टी छूट गया है, यहाँ पर टी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये टी लिख लिया हमने। अब यहां पर हमें रैंडमली नंबर जनरेट करना, कैसे जनरेट करेंगे? आप फॉर्मूला बार पे जा सकते हैं, यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एफएक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा, यहां पर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूँ जो मुझे काफी पसंद है। तो इज इक्वल टू के निशान से फॉर्मूला स्टार्ट होगा, ये तो आपको पता ही है। और यहां पर आपको लिखना है रैंड, आर ए एन डी, रैंड और बिटवीन, तो आपको लिखना है बिटवीन। तो ये बिटवीन लिखा, आपको टैब नहीं प्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करके और 9 अल्फाबेटिक की प्रेस करना है, यहां पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहां पे पूछ रहा है बॉटम, सेम वही चीज, बॉटम 6 दे दिया, टॉप 90 दे दिया और इसको कर दिया क्लोज और हिट एंटर, यानी कि एंटर प्रेस किया। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं ये एक मार्क्स यानी एक नंबर आ चुका है, यहां पर इसे ड्रैग कर दीजिए, दूसरा तीसरा और जितने भी नंबर आप रेंडमली जनरेट करना चाहेंगे ये सब आ जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फ्रेज करना है, यानी कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया है, दैट्स व्हाई ये चेंज होता रहेगा। तो इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है और इसे आप बना देंगे नंबर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, लेकिन हम इसे बना देंगे नंबर, ठीक है। और यहाँ पे यस कर देंगे तो ये अब चेंज नहीं होगा बार बार, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर टोटल करना है, तो इज इक्वल टू सम से टोटल कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। आप भूल करके भी टैब प्रेस ना करें, ठीक है। यहां पर ड्रैग करते हुए यहां तक आ जाइए, तो C6 से लेकर E6 तक हमने सिलेक्शन में ले लिया। अब इसे क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो यहां पे 144 आ गया, यानी टोटल आ गया। अब यहां पे डबल क्लिक कर दीजिए, सबका टोटल आ जाएगा। अब हम यहां पर ऊपर फॉन्ट वर्क का यूज करेंगे, तो ये फॉन्ट वर्क क्या होता है, आपने वर्ल्ड आर्ट का यूज किया होगा, सेम फॉन्ट वर्क भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो फॉन्ट वर्क को चलिए यूज कर लेते हैं, यहां पर आपको आना है, ठीक है, इंसर्ट पर, और यहां पर जाना है फॉन्ट वर्क पर। तो ये फॉन्ट वर्क पर आ गए हम, इससे भी पहले हम मर्ज करा लेते हैं, इतना पार्ट हमें मर्ज भी तो कराना पड़ेगा। तो यहां पे चलते हैं वापस और यहां पर मर्ज सेल्स दिया हुआ है, यहां पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये सब मर्ज हो जाएगा। अब यहां पर फॉन्ट वर्क का यूज हम कर सकते हैं, तो चलिए यहां पर अब फॉन्ट वर्क का यूज कर लिया जाए। तो इंसर्ट पे चलते हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, फॉन्ट वर्क पे जाना है। तो यहाँ फॉन्ट वर्क पे कर दीजिए क्लिक, आपको जो भी स्टाइल पसंद आ रही हो, ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टाइल दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको, तो जो भी स्टाइल आपको ठीक लगती हो वो आप ले लीजिए। मैं एक कोई स्टाइल पिक करके और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये फॉन्ट वर्क इस तरह से आ जाएगा हमारे सामने। अब इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ, तो ये फॉन्ट वर्क इस तरह से रिसाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, और थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं हम तो ये, और इसको दबा करके छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करिए और ये जो फॉन्ट वर्क आया हुआ है इसे आप चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से जा करके और यहां से इसे चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं आर एन एच, ठीक है, तो ये आर एन एच लिख दिया, लेकिन आर एन एच जो है अब इस तरह से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसके शेप को बदलना चाहे तो यहां से शेप को भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं टिल्ट अप दिया हुआ है, तो ये सीधा हो जाएगा थोड़ा, और इसी तरह से ये इस शेप में लेके आना चाहते हैं, जो भी शेप आपको चाहिए हो यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा इस शेप में आ जाएगा ये, और यहां से इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, और अब यहां पर क्लिक करके और बैकग्राउंड का कलर भी बदल देते हैं हम। तो यहां से बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ब्लैक कलर में हो जाएगा और इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये फॉन्ट वर्क है, ठीक है, और आपने रैंड बिटवीन का यूज देखा कि कैसे यूज हम रैंड बिटवीन को कर सकते हैं। अब इस पर थीम लगाने के लिए बता देता हूं आपको कि थीम कैसे यूज करेंगे। तो यहां पर आपको फॉर्मेट में नीचे मिल जाता है स्प्रेडशीट थीम, ये ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो यहां से थीम लगा सकते हैं, यहां पर बहुत सारे थीम आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो भी थीम आपको पसंद हो वो थीम आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से फॉर्मेट पे चले जाइए और फिर आ जाइए स्प्रेडशीट थीम पर, और यहां से फिर मिलेनियम या जो भी थीम आपको ठीक लगती हो वो लगा लीजिए, वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बना लेते हैं बॉर्डर, तो इसको सिलेक्शन में लेकर के और अब बॉर्डर बना लेते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए आपको कहां जाना है, यहां पर आना है, ठीक है, यहां पर आकर के और ये यहां पे बॉर्डर जो है इस तरह से इसे हम बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहां से साइज जो है, मोटाई बड़ाई ये सब जो है इसको घटा बढ़ा सकते हैं बॉर्डर के लिए,
ठीक है, इसको सिलेक्शन में लेकर के, जैसे मान लीजिए डबल लाइन आप चाहते हैं, डबल लाइन हो जाए, ये डबल लाइन वाली स्टाइल आ जाए, तो यहां पर डबल लाइन कर सकते हैं। इस तरह की स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर, ठीक है। एक्सेल के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। ये स्टाइल चाहिए तो ये स्टाइल ले लीजिए, जो भी स्टाइल आप चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्शन में लीजिए और वो स्टाइल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स और भी दी हुई हैं, आपको जो भी ठीक लगे वो स्टाइल आप पिक कर लीजिए। तो ये इस तरह से हमने कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम थीम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, और फॉन्ट वर्क का भी कैसे यूज कर सकते हैं। फॉन्ट वर्क का तो यूज हमने पहले भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।